मैं रास्ते से जा रहा था, टीममेट से बतिया रहा था, तभी मुझे फुटस्टेप आई तो मैंने फेंकना चाहा एक बम बबूरा। ए, ए। अरे भाई एक और है क्या? भैया ये क्या था? साला घबराहट में कुछ भी बटन दबाया जा रहा था, उसके बाद क्लच हो गया। अब आप ही बताओ इस आन की गाप क्लच को क्या नाम दूं? जब जब दिया मुझे ऊपर वाले ने मौका तो मैंने किया दोनों हाथ से कैच। और भाई लोग दिल थाम करके बैठ जाओ क्योंकि फौजी लेकर आ चुका है सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच। तो यार अगर आप लोग मुझे 2-3 सालों से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा अपने टीममेट्स के साथ खेलता हूँ। हाँ कभी कभी अगर मेरे टीममेट्स मर गए तो फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड भी खेलना पड़ता है, लेकिन तब मैं कैसा खेलता था ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन अब मैं बन गया हूँ एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर, और कॉम्पिटेटिव खेलने के बाद अगर मैं अब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलूँ तो मैं कैसा खेलूंगा और मेरे पहले के गेम प्ले में और अब के गेम प्ले में क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। फौजी चलो यार मिलिट्री बेस चलो, प्रो प्लेयर हो तुम दोनों, पता चल रहा है मेरे को। नहीं भैया प्रो प्लेयर नहीं है हम, अभी उतर के मरेंगे। फिलहाल मैं खेल रहा हूँ अन्नू के साथ, और साथ ही दो रैंडम भी हैं, जिनमें से एक लड़की होती है जो कि मुझे 3-4 मैच पहले मिली थी, तो अब उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। और ये नंबर 4 जो है ये इसी मैच में मिला है। पर सीन ये होता है कि मेरे सारे के सारे टीममेट अभी शुरू ही में मर जाएंगे और उसके बाद में हो जाऊंगा अकेला, लेकिन तब जो आपको मजा आएगा ना वो अलग ही लेवल का आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पर फिलहाल हम लोग उतरे हैं मिलिट्री बेस, तो चलो पकड़ते हैं यार बंदों को। गलत मार रहे हो। अब मेरे टीममेट ने कहा गलत मार रहे हो, और ये नाम देखो मैं सच में गलती को मार रहा था। फिलहाल यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, इन दोनों को हम लोग निपटा देते हैं। पर उतने में मुझे पीछे वाली बिल्डिंग से फुटस्टेप आती है, तो मैं एक बम बबूरा करता हूँ। और मेरी बिल्डिंग में आ जाओ प्लीज, मेरी बिल्डिंग में बंदे हैं। मेरी बिल्डिंग में मेरे को खत्म करने आ रहे हैं। बचा लो मुझे, बचा लो भाई। कैसे बचा ले यार, बहुत दूर हो तुम। तो भाई लोग अब तो हमारा बीजमाई आ गया है नए अवतार में, फिर से और भी ज्यादा क्लचेस, और भी ज्यादा थ्रिल और डबल फन के साथ। तो क्या आप भी गेम ही खेलते रहोगे या मेरी तरह क्लासिक रैंक मैच खेल के डेली के 20,000 कमाओगे? जानना चाहते हो कैसे? तो सुनो, गेम के आते ही कॉन्करर पुश करने की जल्दी तो सबको है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गेमर बूट की। यहाँ पे डेली आप 50,000 प्लेयर के साथ खेल के कंप्लीट कर सकते हो, और साथ ही मेरी तरह जीत सकते हो 20,000 रुपए डेली, और इनकी AI की वजह से हैटर और चीटर से भी छुटकारा। बस सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करो, और साइन अप करते ही बूम आपको मिलेगा 30 रुपए बोनस। फिर जल्दी से कोई टूर्नामेंट ज्वाइन कर लो, फ्री पेड आपकी मर्जी, एंड यूज दैट टू प्ले पेड टूर्नामेंट्स। ऐसे ही आप कोई भी टूर्नामेंट में मेरी तरह ज्वाइन कर सकते हो। और देखो तुम्हारे भाई ने टूर्नामेंट खेला था और टॉप में भी आया था। यार इतने बंदों को हरा के टॉप में आने का अलग ही मजा है, क्योंकि ज्यादा किल किया हूँ इसलिए ज्यादा पैसा भी जीता हूँ। एक बात और बताऊं, विनिंग देखकर आप लोग चौंक जाओगे, लास्ट में दिखाऊंगा विड्रॉल करके। तो फिलहाल ये फुटस्टेप सुनी आपने, मेरे को लगा कि ये एक बोट दादा थे इसलिए मैंने हल्के में ले लिया, लेकिन फिर ये अचानक से भागने लगे, और जब मैंने इन्हें मारा तब पता चला कि भैया ये तो एक रियल बंदा था। खैर नंबर 4 मैं तेरा बदला लूंगा भाई, टेंशन नहीं ले। हाँ ब्रो थैंक यू भाई, awesome, मारना awesome, भाई मारना awesome. मेरा बदला लो यार। awesome, awesome. ए! भाई पीछे से पड़ी, जल्दी अंदर आ, नंबर 3 नंबर 3
Thank you. अब हमारे आजू बाजू बहुत सारे बंदे थे और ऊपर से पट्टी के नाम पे ये हरी वाली बैंडेज, तो डर तो बहुत लग रहा था, साथ ही ये अन्नू को भी बचाना है वरना मुंह फुला लेगी। अन्नू, कसम से हर एक लड़की भुला दूंगा, सबकी तस्वीर जला दूंगा, बस तुम ही रहोगी दिल में, बैलेंस डलवा दो, बहुत दुआ दूंगा। भाई इतना बढ़िया कैसे खेलते हो यार तुम? अब यहाँ मैं लौंडो को निपटा देता हूँ और अपने टीममेट को भी बचा लेता हूँ और फिर चार नंबर के मुंह से अपनी तारीफ सुनता हूँ, जो कि सुन के ऐसा लगता है कि बस यार सुनते जाऊँ, लेकिन वो बस थोड़ी सी करता है, तो फिर मैं लूटा लाटी करके आगे जाता हूँ और तभी मुझे ऊपर से फुटस्टेप आती है। अब यार यहाँ अचानक से मेरे ऊपर गोलियां पड़ती हैं, जो कि कहाँ से पड़ी थी ये देखने की हिम्मत भी नहीं थी मेरे पास, तो मैं फटाक से जान बचा के नीचे आता हूँ, पर तभी एक बंदा राइट से गोली चलाता है, जो कि वो देखो वो रहा, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास पट्टी नहीं है, तो मैं पी की कर नहीं सकता, इसलिए ऐसे हालात में हमेशा हिंदुस्तानी भाव की एक बात याद रखो, रुको जरा सबर करो। जी हाँ यही बात, क्योंकि अगर आप सबर रखोगे तो सामने वाला सबर नहीं रख पाएगा और फिर वो खुले में आएगा। जैसे कि ये आया था, तो इसे मैंने नॉक कर दिया और उसके बाद मैं धैर्य पैर रस करता हूँ और अब देखो आगे। अब ये बंदा अन्नू के पिछवाड़े में 150 की 150 गोली भर देता है, साला गोली चलाया तब तक पेटी नहीं बन गई जब तक, लेकिन सच बताऊं तो जो हुआ भैया अच्छा हुआ, काहे कि आपको पता होगा कि लड़की मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है और लड़की जब मरने के बाद मेरा गेम एक्सपेक्टेड करती है ना, तो फिर मेरे को जोश आ जाता है, वो वाला जोश नहीं समझना, ये गेम खेलने वाला जोश। अच्छा सिंपल, हम लड़के नॉर्मल हमारे खर्चे हैं, बेटा तेरी मशीन गन से ज्यादा फौजी की M4 के चर्चे हैं। अरे ये M4 नहीं थी क्या? ओ सॉरी M762 के चर्चे हैं। अब यार इन बंदों को निपटाने के बाद हमें लगा कि भैया मिलिट्री बेस पूरा का पूरा खाली हो चुका है, तो मैंने कहा आओ नंबर 3 हम लोग शॉप के पास थोड़ी सी खरीदारी करने चलते हैं, लेकिन हमें का पता था कि हमारे साथ गलत सीन होने वाले हैं। अब यार पीछे से गोली पड़ी और ऐसी पड़ी कि भैया नंबर 3 तो नॉक और मेरे भी पोंद लाल हो चुके थे। खैर मैं जैसे तैसे बच गया और एक तो पट्टी थी तो मैं से फटाक से लगाता हूँ और नंबर 3 को बचाने जाता हूँ, और भैया बचा भी लिया था, लेकिन तभी लेफ्ट में एक बंदा दिखता है। मैं पीछे बहुत मेरे पैर में।
अब यार डर बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि वो बंदे भी अच्छा खेल रहे थे। तो मैंने बोला भैया इनको मारने के लिए बचे खोचे दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, तो मैं फटाक से इस टावर में चढ़ जाता हूँ ताकि यहाँ से मैं उनके ऊपर धप्पा कर सकूँ। लेकिन यहाँ से भी मैंने किसी को नॉक नहीं कर पाया और ऊपर से पोजीशन रिवील हो गई। तो फिर मैंने बोला भैया अगर यहाँ रहे तो पेटी बनना बिल्कुल तय है, और यार जब इतनी मेहनत किए हैं तो थोड़ी सी और कर लो, का जा रहा है ना, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, काहे कि भैया ये रियल लाइफ नहीं है, पबजी है, कैरेक्टर ही को बस दौड़वाना है। तो मैं कैरेक्टर को दौड़वाते दौड़वाते फ्लैंक करके इस तरह बजाता हूँ और देखो बागे वो जो सामने है ना छोटा सा घर, उसके साइड में जो दो ब्लॉक्स है उसके पीछे बंदा है। हाँ हाँ वहीं पे बंदा है, लेटा है कवर में। वहीं कवर। ए भाई साहब बिल्कुल जरा सा बचा रही। अब यार यहाँ पर मैं बस तो गया, लेकिन यार जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसकी किल मुझे अभी तक नहीं मिली। तो फिर मैं समझ गया कि ये भैया दो नहीं ये तीन लौंडे हैं, और जिसको मैंने नॉक किया था वो रिवाइव हो चुका है। और फिर तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ये लोग फ्लैंक तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं लेफ्ट में आके देखता हूँ। और फिर और एक वहीं पे है, और एक वहाँ पे सामने देखो भाग रहे। अभी अकेला बचा हुआ है यहाँ पे। हम अरे 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 यहाँ से आ गया, वो भी फ्लैंक कर रहे हैं। ये देखो यस या Awesome. लोग कहते हैं बेटा सो जा वरना फौजी सीजे आ जाएगा, और जब खेलेगा सोलो भी स्कॉट तो पूरे सर्वर को खा जाएगा। तो भाई लोग कमेंट में बताना सच कि कैसा लगा ये क्लच। फिलहाल इनको निपटाने के बाद मैं मिलिट्री बेस से लूटा लाटी करके डायरेक्ट जोन में जाता हूँ, और यहाँ आते ही मुझे सामने एक ठो बंदा दिखता है। अब मैंने सोचा कि यहाँ खड़े होके उसको मार दूंगा। ए! इसलिए कह रही थी पहाड़ी पे जाओ। देखो देखो व्हाट द हाउस। अबे भाई मरा कैसे नहीं यार, इतनी सारी गोली लगी थी। क्या भाई व्हाट अ हग स्प्रे। हग्गू नहीं था यार, चार पांच तो गोली लगी थी। झूठे एक भी नहीं पड़ी। अबे तुम लोगों को एक्सपेक्टेड में नहीं दिख रहा होगा, सच में चार पांच तो पड़ी थी। खैर यहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने के बाद मैंने बोला कि यार इनको घुस के मारना पड़ेगा, पर जैसे ही मैं गाड़ी उठाता हूँ आसपास देख लो कोई पहाड़ी से बड़ा पहाड़ पे बंदा नहीं। तभी मेरे ऊपर सामने वाले घर से एक बंदा गोली चलाता है, तो देखो अब आगे सीधा पुश। अब यार ये तो नशे में था, लेकिन इसका टीममेट भैया फुल होशो हवास में है, पूरा हेलमेट लाल कर दिया। पड़ी क्या ऐसे तुम्हें? क्या था क्या ये इनका? बंदा बंदा मारो। बहुत बढ़िया। Awesome.
अब उसको नॉक कर दिया और उसकी पेटी बना दी, लेकिन उतने ही में वहाँ स्मोक हो जाता है, यानी कि वहाँ एक और बंदा होगा। Awesome. बुरा नहीं माना कभी किसी की बातों का, हर बात मैंने दिल खोल कर सही। और बेटा फौजी की गन में इतना दम है जितना तेरी पूरी स्क्वाड में नहीं। ये बढ़िया था गुरु। तो यार इस टीम की भी पेटी बना दी और अब बचे हैं ओनली दो ठो बंदे, लेकिन भैया रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, इसलिए मैं पहले सरकारी ड्रॉप में जाता हूँ और यहाँ से थर्ड लेवल के बेस्ट और टोपा लूटता हूँ। वो इसलिए काहे कि यार जिस बंदे को मेरे को मारना है वो भैया गाजर घास लपेटा है, तो मुझे पता है कि वो कहीं सांप बना होगा, इसलिए उसे ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि सांप का चक्कर मौत से टक्कर भी हो जाए। तो ये थर्ड लेवल के बेस्ट हेलमेट थोड़ी हेल्प तो करेंगे बचने में। रुको और एक लेटा है क्या? मारो मारो सॉन्ग। वॉइस ओवर में थोड़ी से सस्ते नशे होगा यार, एक्चुअल में ये गाजर घास नहीं लपेटा था, लेकिन मैंने जब इसे पहले देखा था ना तो मुझे लगा था कि ये गाजर घास पहना है, तो भूल चूक माफ कर देना, कल से फेविकोल थोड़ा कम सूंघूंगा। गाड़ी फट गई देख के। फिलहाल अब बचा है इसका एक तो लास्ट बंदा, जो कि वो देखो वो कहां सांप बन के लेटा है। तो फाइनली यार इस बंदे को निपटा के हो जाता है चिकन डिनर। चलिए मैं अब आपको गेमर बोर्ड से जीते हुए पैसों को विड्रॉल करके भी दिखाता हूँ। अब अकाउंट में मेरे हैं 3100 रुपए, तो 3000 मैंने निकाला और उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक किया तो यहाँ पे UPI डालने को बोला, तो UPI डाला और फिर सिंपली यहाँ पे विड्रॉल में क्लिक कर दिया एंड विथ इन अ सेकेंड भाई मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो इससे अच्छा ऐप और क्या हो सकता है जहाँ गेम खेलने से आपको पैसे मिल रहे हैं। मैं भी यहाँ हूँ, मुझसे ज्यादा रैंक करके दिखाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो कमेंट में बताना कि आज का ये गेम प्ले आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर, क्योंकि ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।